रोहित सारा दिन बाइक से ही खेलता रहेगा या स्कूल के लिए रेडी भी होगा बेटा? हाँ मम्मी हो रहा हूँ रेडी। ये बताओ पापा कब आएंगे? बेटा तेरे पापा आर्मी में है ना, तो उन्हें जब छुट्टी मिलेगी वो तब आएंगे। अब तू एक काम कर, ये लंच ले और फटाफट स्कूल चला जा, ठीक है? बाय बाय। अरे यार पिंकी कहाँ रह गए? स्कूल के लिए लेट हो रही है। चलो पर इतना लेट क्यों कर रही थी? तू मेरी जान है रे जान। आज तो तू इस तस्वीर में बहुत जल्द मेरे घर के सामने खड़ी होगी, और जिस दिन तुझे अपने घर ले आऊंगा ना, उस दिन सबसे पहले मैं अपनी माँ को बिठाऊंगा, उसके बाद पिंकी को, फिर घर से इंडिया गेट, इंडिया गेट से चांदनी चौक, मतलब पूरी दिल्ली घुमाऊंगा। हाँ हाँ बेटा सबको घुमा लेना, सबसे पहले ये लंच ले और स्कूल जा। ठीक है मम्मी चलता हूँ। बता क्यों बुलाया मुझे? स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ मैं और पिंकी भी मेरा वेट कर रही है, जल्दी बता क्या बात है? अरे यार भैया वो दो दिन स्कूल बंक कर दिया तो एप्लीकेशन पे साइन कर दो ना। ये तेरा ना हर बार का हो रखा है, मैं बार बार नहीं करूँगा ये चीज। यार भैया एक बात पूछनी थी, जैसे कि आपका फील्ड है दिन भर बाहर काम करना, फिर भी आपके चेहरे पे इतना ब्राइट मतलब साइनिंग और क्लियर कैसे? ब्रो ये चीज़ें मेरे से बहुत लोगों ने पूछ चुका है, और इसका सीधा सा आंसर है मैं कोई फेयरनेस क्रीम यूज़ नहीं करता हूँ। मतलब कि फेयरनेस क्रीम से तुम थोड़े देर गोरे दिखते हो, थोड़े देर स्मार्ट दिखते हो, लेकिन क्या फ़ायदा, जैसे ही वो परत उतरेगा तुम फिर वैसे ही हो जाओगे। तो भाई मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं यूज़ करता हूँ मस्टैक का हर्बल स्किन लाइटिंग ऑयल प्लस मस्टैक का ओशियन फेस वॉश कॉम्बो। बेसिकली ये बहुत परफेक्ट है फॉर मैन, और ये रियल मैन के लिए रियल प्रोडक्ट है। अरे वाह भैया ये तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन भैया इसको यूज़ कैसे करते हैं? बेसिकली ना ये ऑयल हमें अंदर से नेचुरली ब्राइट बनाता है, और हम इसीलिए गोरे दिखते हैं, और इसको यूज़ करना भी बहुत ही आसान है। मैं बताता हूँ कैसे यूज़ करते हैं। ये ऑयल का 3-4 बूंद तुम्हें अपने हाथों में लेना है और अपने स्किन पर अच्छे से अप्लाई करना है, और 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। ब्रो इसमें ना हल्दी और एलोवेरा के गुण है, और तू तो जानता ही है ये कितनी नेचुरल और कितने फायदेमंद होती है यार। 10 मिनट ऑयल लगाने के बाद तुम्हें मुंह धोना है ओशियन के फेस वॉश के साथ। बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है, मेरा पर्सनल फेवरेट है। इसके अंदर है सिलिकॉलिक एसिड, लेकोरिक एक्सट्रैक्ट, ये हमारे चेहरे को अंदर से ग्लो और ब्राइट बनाते हैं, जिसकी वजह से हम गोरे दिखते हैं। बेसिकली ना ये कॉम्बो बहुत परफेक्ट है फॉर मैन, मैं तो इसी को यूज करता हूँ। अरे वाह भैया ये प्रोडक्ट तो बहुत ही अच्छा है यार, लेकिन ये प्रोडक्ट मिलेगा कहाँ, कौन सी मार्केट से लेके आना पड़ेगा? ब्रो किसी मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ लिंक, सबसे ऊपर लिंक पे क्लिक करो और जाके चुपचाप खरीद लो फटाफट। हाँ भैया अभी खरीदता हूँ। तो दोस्तों आप भी इस कॉम्बो को जरूर यूज करें, मैं पर्सनली हर रोज ट्राई करता हूँ, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, आप भी जरूर ट्राई करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सुन भाई अब मैं चलता हूँ, पिंकी मेरा वेट कर रही होगी तो मैं चलता हूँ। ठीक है पिंकी लेट हो रहे हैं, चल स्कूल। आर यू रोहित? चले कहाँ रह गई थी यार? अरे यार मम्मी टिफिन बनाने में देर कर देती है हमेशा। तेरा हर बार का ये ही है यार, तू ये सब छोड़, तूने नोट्स बना लिए? हाँ बना लिए। यार तुम लड़कियाँ तो दिन भर फोन चलाती हो, फिर ये नोट्स कब बना लिए? सुन हम लड़कियाँ ना दिन भर फोन बेशक चलाती है, पर टाइम पर ना अपना काम पूरा कर लेती हैं। हाँ ये बात तो है। रोहित वो देख तेरी फेवरेट बाइक।
अरे हाँ यार, कितनी प्यारी लग रही है ना पिंकी। प्यारी तो है, नो डाउट, पर ये सब छोड़, लेट हो रहा है, चल स्कूल के लिए चल। जीतू भाई आज तो तुमने सही आवाज। To my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? पिंकी तो अभी तक स्कूल नहीं पहुंची। अरे कहां यार, पैदल जाते हैं ना तो लेट हो जाते हैं हमेशा। कोई बात नहीं यार, मैं छोड़ देता हूं। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें छोड़ने की, हम पैदल ही चले जाएंगे। क्या प्रॉब्लम है रोहित, मैं चली जाती हूं ना, वैसे भी मेरे पैरों में दर्द हो रहा था। यार अभी तक तो ठीक था, अचानक से क्या हो गया? वो सब छोड़, मैं जा रही हूँ, तुम आ जाना। वैसे भी ये बाइक मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे ये बाइक चलानी सिखाओगे ना? क्यों नहीं यार, बिल्कुल सिखाऊंगा। चलो चलते हैं। पिंकी ये क्या कर रही है तू? तू इसको बॉयफ्रेंड बना रही है? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? रोहित इसमें प्रॉब्लम क्या है? वो मुझे पसंद करता है, मैं उसे पसंद करती हूँ, तो बॉयफ्रेंड बनाने में क्या दिक्कत है? क्योंकि मैं भी तुम्हें बचपन से पसंद करता हूँ और प्यार भी करता हूँ। क्या तुम उससे प्यार करता है? हाँ। तो तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैं डरता था ये सोच के कि कहीं तुम मेरे से दूर ना हो जाओ। वाह रोहित, तूने तो बहुत बड़े बड़े सपने सजा के रखे हैं। तुझसे दिन में दो बार हंस के क्या बात कर लेती हूँ, तूने उसे प्यार ही समझ लिया। चल मान भी लेती हूँ मैं तेरी गर्लफ्रेंड बन जाती हूँ, तू घुमाएगा किस पर, इस साइकिल पर? मैं जल्दी अपनी बाइक खरीदने वाला हूँ, तुझे तो पता ही है ना मेरी ड्रीम बाइक कौन सी है। तेरे पापा तो देश के लिए शहीद हो गए, तुझे ये ड्रीम वाली बाइक कौन खरीद के देगा? मैं खरीदूंगा अपनी मेहनत से। बड़ा आया मेहनत करने वाला, तुझे पता भी है इस बाइक की कीमत क्या है? और तू इस जन्म में क्या किसी भी जन्म में नहीं खरीद सकता। तेरी औकात ना ये खचाड़ा साइकिल चलाने की है और इसे ही चला। आज के बाद ना मुझसे मिलने की भी जरूरत नहीं है। चल जीतू।
तुझे पता भी है बाइक कितनी महंगी है। हाँ अंकल अच्छे से पता है, ये मेरी ड्रीम बाइक है। अच्छा, अगर ये तेरी ड्रीम बाइक है तो पापा के बोल के खेद क्यों नहीं लेता? वो अंकल मेरे पापा इंडियन आर्मी में थे और वो देश के लिए शहीद हो गए। सुन के बहुत दुख हुआ। फिर तुम अपनी ड्रीम बाइक कैसे खरीदोगे? पता नहीं अंकल, भगवान जाने, लेकिन मैं एक दिन ना ये ड्रीम बाइक जरूर खरीदूंगा। मैं तुम्हारी बातें सुन के इंप्रेस हो गया। वैसे भी ये मैं बाइक बेचने वाला हूँ, आप खरीद लो इसको। अंकल मैं इतने पैसे कहाँ से लेके आ पाऊंगा? हाँ, मैंने बाइक की कीमत 5 लाख रखा है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए 2 लाख। लेकिन एक शर्त पे मैं तुम्हें बाइक दूंगा, तुम्हें 1 महीने में 2 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। मैं मम्मी आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हो ना हमेशा। हाँ बेटा वो तो मैं हूँ। तो फिर एक काम करता हूँ मम्मी, मैं आपके लिए सब्जी ले आता हूँ। अरे बेटा सब्जी तो मैं कब की ले आई। तो मम्मी मैं सारे कपड़े सूखने दे देता हूँ छत पे। बेटा वो तो मैंने सुबह सुखा दिए थे। क्या बात है, तुझे आज अपनी माँ के ऊपर बड़ा प्यार आ रहा है, कुछ तो बात है। क्या चाहिए तुझे अपनी माँ से, बता ना। मम्मी वो मेरी ड्रीम बाइक है ना, वो सेम बाइक एक अंकल के पास थी, और पता है मम्मी उस बाइक की कीमत 5 लाख है, और वो अंकल ना सिर्फ 2 लाख रुपए में दे रहे हैं सिर्फ मेरे लिए। तो मम्मी क्या आप मुझे 2 लाख रुपए दे सकते हो? कितने, एक बार दोबारा बोलियो कितने चाहिए? मम्मी 2 लाख। 2 लाख? बेटा वो चाकू लेके आई हो। बेटा एक काम कर, इस चाकू को ले और अपनी माँ की किडनी निकाल दे, और किडनी निकाल के बेचा, उससे अपनी बाइक ले लियो। यार भैया इतना सैड क्यों हो, क्या हो गया? अरे क्या ही बताऊं डेविड, मुझे पैसों का बहुत ज्यादा जरूरत है। मैंने मम्मी से मांगा वो भी नहीं दी, और मैं काम भी ढूंढ रहा हूँ, कहीं काम भी नहीं मिल रहा है। मेरे भैया का गैराज है, वहाँ काम करोगे? तेरे भैया का गैराज है? हाँ। तो तू बात करेगा भैया से? हाँ भैया चलो। ठीक है भाई चलते हैं, भैया से बात कर तू एक बार। ले आया 2 लाख रुपए? नहीं अंकल, बस 10,000 रुपए ही ला पाया मैं, और बहुत मेहनत करा फिर जाके ये 10,000 रुपए कमा पाया हूँ। मेरे बस की बात नहीं है ये ऐसी सुपर बाइक लेने की, मैं नहीं खरीद पाऊंगा ये बाइक। और अगर मैं बोलूँ कि तुम अपनी ड्रीम बाइक ले सकते हो तो? कैसे ले सकता हूँ अंकल, जब मैं पैसे ही जमा नहीं कर पाया तो, और ये कितनी महंगी है। और मैं बोलूँ कि ये बाइक तुम ले सकते हो वो भी फ्री में? फ्री में? वो कैसे? क्योंकि ये बाइक तुम्हारी ही है। ये बाइक मेरी है? हाँ, ये बाइक तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए दिया है। ये सब छोड़, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और उसको बाइक्स का बहुत शौक है। जब वो बड़ा हो जाए, उसकी काबिलियत को देखकर उसको सुपर बाइक दिला देना। मैं तुमको अपनी बैंक डिटेल देता हूँ। यार पापा आप जहाँ भी हो ना, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू पापा। ये बाइक तुम्हारे पापा तुम्हें रोने के लिए नहीं दिया है, तुम्हें खुश रखने के लिए दिया है। तुम रो रहे हो, मैं ये बाइक तुम्हें पहले भी दे सकता था, लेकिन तुम्हारे पापा चाहते थे कि तुम मेहनती बनो, और मैंने देखा कि तुम बहुत मेहनती हो। ये ले चाबी और मम्मी को बैठा। थैंक यू सो मच अंकल। Thank you.
मेरे पापा तो मेरे साथ नहीं रहे, लेकिन उनकी दी हुई चीज हमेशा मेरे पास रहेगी। और पापा, आपसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच। हेलो गाइस, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और जो जो नए हो इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। और गाइस, काफ़ी टाइम के बाद वीडियो लाया हूँ, उसके लिए सॉरी। ट्राई करूँगा जल्दी लाने का, वो एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसी कारण से वीडियो जल्दी जल्दी नहीं आ पा रही थी। ट्राई करूँगा अब जल्दी जल्दी लाने का। जय हिंद, जय भारत।